हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी ज्ञान में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आऊँ कुछ खास वीडियो। आपके ये वीडियो जरूर देखिए और पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपकी सेफ्टी से जुड़ा हुआ एक वीडियो है। तो दोस्तों, आपने इस टॉपिक के बहुत सारे वीडियो पहले देखे होंगे यूट्यूब पर, लेकिन आज मैं बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के बारे में, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा इसका छाया पड़ा है और किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों, आजकल फेसबुक आईडी आपने बनाई होगी, तो फेसबुक आईडी भी दोस्तों आजकल बहुत सारे ऐसे सुनने में आ रहा है कि सबकी आईडी हैक हो रही है और कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी की आईडी हैक कर रहा है और उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है। तो दोस्तों, आपके साथ भी ऐसा ना हो इसलिए मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने फेसबुक आईडी को बिल्कुल सिक्योर और सेफ्टी बनाइए, जिससे आपकी इन्फॉर्मेशन कोई और हैक ना कर सके। नहीं तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन होगी फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, किसी पे भी होती है, अगर आपकी आईडी हैक हो जाती है तो कोई उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है और आपकी आईडी का मिसयूज किया जा सकता है। और अगर ऐसे में आपकी आईडी का मिसयूज होगा तो आपको बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी इसका पता चले और वो भी अपनी फेसबुक को और या फिर अपने और भी किसी सोशल मीडिया ऐप्स को सिक्योर कर सकें। आजकल दोस्तों इसकी बहुत जरूरत है, क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे बेकार की वेबसाइट और पता नहीं क्या क्या बन चुका है, जो आपकी फेसबुक आईडी को या फिर किसी भी तरीके की आईडी को बिल्कुल हैक कर सकता है और उसका गलत इस्तेमाल करेगा और बाद में उसके दुखद परिणाम आपको झेलने पड़ेंगे। दोस्तों, आप अपनी फेसबुक आईडी को किस तरीके से बढ़िया और मजबूत कैसे बनाएंगे, तो मैं आपको इस वीडियो के जरिए बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को देख के अपने फेसबुक की पूरी सेटिंग कर लीजिए, साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको अपने फेसबुक आईडी को बिल्कुल ही सिक्योर करने के लिए करना क्या होगा, मैं आपको चलिए बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो आप दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको अपनी फेसबुक आईडी जो है उसे ओपन करना होगा। तो देखिए दोस्तों, मैं अपने फेसबुक आईडी ओपन कर लिया, आप फेसबुक लाइट से भी ऐसा कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको करना क्या होगा दोस्तों, आपको जो यहाँ पे थ्री लाइंस का ऑप्शन आ रहा है, थ्री लाइंस पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देता है, तो आपको सबसे नीचे आ जाना है यहाँ पे सेटिंग एंड प्राइवेसी में। सेटिंग एंड प्राइवेसी में आने के बाद दोस्तों आपको नीचे जो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है इसके नीचे सेटिंग्स का, आप इसमें चले जाइए। तो देखिए दोस्तों, ये लोड लेता है, लोड लेने के बाद दोस्तों आपको ये सीधा यहाँ पे ऐसे ले आता है अकाउंट सेटिंग में। तो अकाउंट सेटिंग में आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सिक्योरिटी में आना है, सिक्योरिटी एंड लॉगिन का जो ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, तो आप इस पे आ जाइए। आने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे बहुत सारे वो भी दिखाएगा जो आपने अभी तक के जितने भी फ़ोन में अपने फेसबुक आईडी लॉगिन करी होगी वहाँ पे लॉगिन होगा, तो आप यहाँ पे उन सबको लॉग आउट कर सकते हैं, किसी भी फ़ोन में नहीं रहेगा लॉग आउट, सिर्फ जो आप यूज़ कर रहे हैं उसमें ही लॉगिन रहेगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने सभी को हटा दिया। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, आप यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सेटिंग अप एक्स्ट्रा सिक्योरिटी, तो आपको इसमें आके देखिए दोस्तों गेट अलर्ट्स अबाउट तो अनरिकॉग्नाइज्ड लॉगिन्स, तो आपको इस पर दोस्तों जाना है और यहाँ पे जितने भी नोटिफिकेशन होगी मैसेंजर में या फिर ईमेल में आपको सभी को ऑन कर देना है। जैसे दोस्तों में देखिए मैंने ऑन कर रखा, तो आपको भी इसी तरीके से ऑन कर देना है। तो इससे होगा क्या दोस्तों, अगर आपकी फेसबुक आईडी किसी को पासवर्ड पता चल जाता है और लॉगिन करता है, तो जिस नंबर से आपका फेसबुक आईडी है उस पर एक नोटिफिकेशन आएगी, तो आपको पता चल जाएगा कि किसी और ने आपके फेसबुक आईडी से लॉगिन किया है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पे यूज़ टू फैक्टर अथॉरिटेशन, तो आपको इस पर भी टैप करना है। ये करने से दोस्तों आपकी जो फेसबुक आईडी है बिल्कुल ही बहुत ही सिक्योर हो जाती है और कोई भी उसे हैक नहीं कर पाएगा और कोई अनचाहा लॉगिन भी नहीं कर पाएगा। उसके बाद करना क्या है दोस्तों, आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। फिर दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारे दो ऑप्शन देता है यहाँ पे, टेक्स्ट मैसेज और अथॉरिटेशन ऐप, तो आपको करना क्या है टेक्स्ट मैसेज पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे ऐसे कन्फर्मेशन कोड मांगता है, तो आपका जिस नंबर पे फेसबुक आईडी होगी उस पर एक कोड जाता है, तो देखिए दोस्तों हमारा कोड आ चुका है, तो आपको करना क्या होगा, ये कोड जो है आपको इसमें पेस्ट करना है। तो चलिए मैं अपना कोड देख लेता हूँ क्या दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे कोड डाल देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैं अपना जो कोड डाल दिया, कोड डालने के बाद आपको नेक्स्ट करना होगा।
नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरा फेसबुक आईडी है बिल्कुल ही हो चुका है और इसमें बहुत अच्छी प्राइवेसी मैंने लगा दी है, तो अब इसको कोई हैक नहीं कर सकता और कोई अनचाहा लॉगिन इससे नहीं कर सकता मेरी फेसबुक आईडी से, तो मेरी फेसबुक आईडी सिर्फ मेरी होगी। तो आप दोस्तों आप भी इसी तरीके से ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको टर्न ऑफ जो यहाँ पे लिखा टर्न ऑफ नहीं करना, आपको ऑन ही रहने देना है। तो आप इसके बाद बैक आ सकते हैं दोस्तों आसानी से। तो इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, आपकी जो फेसबुक आईडी है बिल्कुल ही सिक्योर हो चुकी है और अब आपको दोस्तों जब भी आप फेसबुक आईडी पे उन्हें किसी और फ़ोन में लॉगिन करेंगे तो जिस नंबर से आपका फेसबुक आईडी है उस पर एक 4 अंकों या 5 अंकों का एक कोड जाएगा ओटीपी। आप वो ओटीपी जब उस फ़ोन में फिल करेंगे तभी आपकी फेसबुक आईडी कोई लॉगिन कर सकता है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा फंक्शन है फेसबुक का, आप भी इसे इस्तेमाल कीजिए और अपनी फेसबुक आईडी को सिक्योर बनाइए। वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक करना और शेयर करना, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।